काशीराम आवास योजना जो है उसके तहत इन लोगों को साल 2016 में समाजवादी पार्टी कार्यालय से आवंटन पत्र बांटे गए थे और तभी से ये लोग वहाँ पे रहते थे। नियमानुसार इन्होंने आवेदन किया था उस ज़माने में और उसके बाद पात्रता देखकर इन लोगों को वहाँ पे समाजवादी पार्टी कार्यालय से आवंटन पत्र जारी किया गया था उस वक्त के मंत्री आज़म खान की मौजूदगी में। आज इनके साथ अचानक से इतनी बड़ी समस्या ये आ गई है कि आज के अधिकारी बोलते हैं कि ये आवंटन पत्र जो आपको बांटा गया था ये फर्जी है, इसका सरकारी कार्यालय में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इन लोगों के होश उड़ चुके हैं ये बात सुनकर। इनके साथ चीटिंग हुई है, फर्जीवाड़ा किया गया है, 420 हुई है और आज अधिकारी इनको वहाँ से निकाल रहे हैं। ये बेहद गरीब लोग हैं जो दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, ये अचानक से सुनकर खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। कहाँ जाएंगे ये लोग अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर? इसी मामले को लेकर अब से कुछ दिन पहले मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला था और मैंने इन लोगों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई थी। सभी लोगों ने अपने अलग अलग पत्र देकर ये शिकायत की है कि इनके साथ धोखा किया गया है। अब इनको अगर धोखा हुआ है तो जिसकी जानकारी नहीं थी तो इनको कहीं ना कहीं पर आवास दिया जाए या तो जिस आवास में ये रहते हैं वही आवास इनको आवंटित किया जाए, अन्यथा इनको कहीं दूसरी जगह पर आवास दिया जाए। ये बेहद पात्र लोग हैं। आज फिर से मैं एडीएम साहब के पास, ईओ साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, तमाम अधिकारियों के पास अलग अलग गया, उनके दफ्तरों में मिला हूँ इन परिवारों को लेकर और मैं इंसाफ की गुहार लगा रहा हूँ कि इन लोगों को अति शीघ्र ही आवास दिया जाए। अगर इनको आवास नहीं दिया गया तो इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होंगे और बहुत परेशानी का सबब है इन लोगों के लिए। कितने लोग हैं? करीब 20-22 फैमिलीज हैं ये जिन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि इनके आवेदन पत्र और इनकी जो लेटर है जो इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है उस पर जाँच बिठाई गई है, उसमें इन लोगों के बयान दर्ज होना है, जिन लोगों ने इनके साथ चीटिंग किया उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और इनको सरकारी आवास दिए जाएंगे। कोई रुपया भी लिया गया था जब दिए गए थे? रुपए नहीं लिए गए थे, इनसे सिर्फ इतना कहा गया था कि इलेक्शन करीब आ रहा है, आपको आज़म खान ने, आज़म भाई ने ये सरकारी आवास दिए हैं, आप आज़म भाई को वोट दीजिएगा। बदले में इन्होंने विधानसभा 2017 में समाजवादी पार्टी को वोट भी दिया, लेकिन आज इनको पता चल रहा है कि सिर्फ वोट के लालच में इनके साथ 420 की गई है। कहाँ कहाँ है आपका मकान, कितने नंबर है और क्या समस्या है? 163 है और क्या कहेंगे, हमें बहुत परेशानी हो रही है और हमें ये आज़म खान कार्यालय से बांटे गए थे और हमें यही सहारा मिला, इसी के सहारे पे रहते आ रहे थे और आज हमें ये पता चला कि क्या कहेंगे हमारे जाली हैं, हमारे परेशानी हो रही है और आज क्या कहेंगे एकदम ये हुआ कि क्या कहेंगे यहाँ से हमारे निकाला जा रही है और हमें बड़े परेशानी का सामना, हम कहाँ जाएँ, हमारे बिल्कुल ये समझिए खाने के लाले पड़े हैं, बिल्कुल ये समझिए कि हमारे घर में बीमारी पड़ी है बिल्कुल, और अब कहाँ जाएँ बस। और या तो हमने तो यही सोच रखा था अगर यहाँ से हम निकाले जाएंगे, अगर फैसल डालवाएगा, अगर साथ नहीं होता तो ये समझिए हमने ये सोच लिया था हम तो मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने ऊपर आग लगा लेंगे, हमने तो यही बस कर रखा था। जो भी प्रशासन की तरफ से क्या कहा जाता है? प्रशासन की तरफ से तो यही कहा जाता है, क्या देंगे कि आप खाली कर दिए, कल भी क्या देंगे हम अपने काम पर गए थे इतने दिनों से खाली थे, अब हमारे कहने खाने के लाले पड़े थे, हम काम पर गए तो वहाँ से पता चला, फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे क्या देंगे नगर पालिका के लोग आए हैं और खाली कराने हो गया ना, तो हमारे फिर पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई, हम फिर परेशान हो गए, हम कहाँ जाएँ क्या करें, बच्चों को खिलाएँ काम करें या घर देखें कहाँ जाएँ, ये बताइए। हम काल बेखटक गुड़
गया उसमें, वो आदमी अधिकार सब सब बेखटक घुस गए। हम बाहर खड़ी थे बलकनी कने, कोई न था मेरा घर में, मेरा हस्बैंड भी था नहीं था, मेरा हस्बैंड किराया रक्षा चलाता, वो हस्बैंड मेरा पहाड़ी गेट पर था, हम अकेले थे, हम लोग घुस गए। हम लोग आप कहाँ देंगे, छोटा छोटा बच्चा है हम लोग का, खाने तक का हम लोग का लाल पड़ा, एक टाइम पकाते हैं दो टाइम खाते हैं हम। क्या नाम है? नाजरी। आपको किसने बांटे थे ये? आजम खां के टाइम पर मिला था हमको, उनका दफ्तर से मिला था, आजम खां के दफ्तर से मिला था हमको हम लोग का। बताइए। ये अब हमारे घर से निकाला जा रही है, वो कल अधिकारी लोग आए तो सामान घर से निकलो, हमारा पट्टा आ गया है उसका, तो हमने अपना पट्टा दिखाया, उसकी फोटो कापी दिखाई, तो वो कहने लगे कि हमारे पास भी नहीं, आपका नकली जब हम आजम खां के दफ्तर से मिला था हमें वो पट्टा 2016। अब हमें घर से निकालना है, छोटे छोटे बच्चों को लेके काफ़ी जाम है, के नाम खाने से लग के ला लें, हमारा आदमी रिक्शा चला रहा है, आप बताइए हम काफ़ी लेके जाऊँगे छोटे छोटे बच्चों को। नाम आया बता।